हाय गाइस, आपका स्वागत है आदित्य यादव चैनल पे। आज हम आए ड्रीम स्कूल माजा टैंक और जानेंगे सारा ड्रीम्स स्कूल के बारे में नंद किशोर आहिर जी से। जी बताइए। नमस्कार सर। ड्रीम्स स्कूल विद डिफरेंस जो है हमारा मास्टर टैंक पर लोकेटेड है। यहाँ पर हम लोग बहुत ही टाइम से स्टार्ट किए हुए हैं स्कूल। लाइक हम लोगों ने जून 2011 से स्कूल स्टार्ट किया है। पहले हमारा ये प्ले स्कूल था। एक्चुअली प्ले स्कूल में हम लोग इनिशियली सिर्फ दो क्लासेस से स्टार्ट किए थे, प्ले ग्रुप, नर्सरी एंड एलकेजी से। इनिशियली होते होते हम लोगों ने 2015 में फ्रेंचाइजी भी शुरू की थी। फ्रेंचाइजी हमारी 6-7 स्टेट्स में थी, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी फ्रेंचाइजी चलती थी। उसके बाद में आफ्टर लॉकडाउन हम लोगों ने इसको, हमारे स्कूल को, प्राइमरी जो हमारा ब्लॉक था वहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर नए लोकेशन पर स्टार्ट किया है। लोकेशन जो हमारा पार्क कॉन्टिनेंटल होटल के बैक साइड में है। इस एरिया को महात्मा गांधी कॉलोनी कहा जाता है और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं स्कूल। कितने इयर्स हो गए सर स्कूल ओपन होके? ये हमारा स्कूल है ना सर, 11 इयर्स हो गए हैं। अगर हम लोग लॉकडाउन के मिला लें तो 2 साल और 13 साल हमारे स्कूल के कम्प्लीटली हो चुके हैं। तो कुछ ऑफर्स रहते हैं क्या सर, कोई अगर दूसरे स्कूल छोड़ के आपके स्कूल ज्वाइन करना चाह रहे हैं या कुछ भी? देखिए, वो कोई दूसरे स्कूल से यहाँ पर आना है वो तो जनरली कोई बच्चे अपने या फिर पेरेंट अपने विल एंड विश से आते हैं यहाँ पर। ऑफर इन द सेंस, हम लोग कोई दूसरे स्कूल से यहाँ पर आए उनके लिए कोई ऐसा स्पेशल ऑफर नहीं रहता है। लेकिन हम लोग है ना, इस साल हम लोग कुछ एक स्पेशल ऑफर लेकर आए जिसे हम लोग अनबीटेबल ऑफर कहते हैं। ऑफर हमारा ये है कि हम लोग हमारे यहाँ पर 50% ऑफ हम लोग है एडमिशन फीस पर ले रहे हैं। जैसे कि हमारी फीस, एडमिशन फीस 10,000 है। अगर आज की डेट में इस अकेडमिक ईयर में कोई बच्चा हमारे पास एडमिशन लेता है तो हम लोग उनसे 5,000 ही ले रहे हैं। तो आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज है सर स्टूडेंट्स के लिए? अब जैसा योगा आप कुछ बताते हैं क्या सर? जी देखिए, फैसिलिटीज तो देखिए बहुत सारे हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत सारे हैं। अभी हम लोग जो स्कूल रन कर रहे हैं वो रन कर रहे हैं हम लोग नर्सरी से लेकर 8th क्लास, ये ईयर था। नेक्स्ट ईयर हमारी ये अपग्रेड करके हम लोग 9th क्लास कर रहे हैं। स्टेट बोर्ड सिलेबस हम लोग फॉलो करते हैं, स्टेट से रिकग्नाइज हैं हम लोग, और इंटीग्रेटेड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई की है उस, ये साल से हम लोग वो सिलेबस कम्प्लीटली फॉलो करने वाले हैं। अभी तक आप कितने स्टूडेंट्स हैं सर आपके यहाँ? देखिए अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 200+ एडमिशंस हैं एट प्रेजेंट, और हमारे यहाँ पर 10 साल के अंदर बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट होकर गए होंगे। जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं कोई अचीवमेंट्स किए क्या सर, जैसा नेशनल लेवल पे? जी देखिए, लेवल्स पे, हाँ जी, नेशनल लेवल्स के ऊपर हमारे बच्चे कराटे और स्केटिंग के अंदर गए हुए हैं, और स्टेट लेवल पे बच्चों ने हमारा बहुत सारा नाम भी किया है और बहुत सारे अवार्ड्स भी हमारे बच्चे लेकर आए हैं। आपके कुछ इवेंट्स रहते हैं सर एवरी ईयर, जैसा आप कोई स्कूल्स में एनुअल डेज रहते हैं ना, फेस्ट रहते हैं ना कुछ? जी हमारे पास देखिए बहुत सारे, साल भर में हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। इवेंट जैसे कि नेशनल फेस्टिवल्स हमारे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है। इसके साथ साथ में हम लोग है ना साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं 3 दिन के लिए, जहाँ पर बच्चे हमारे साइंस जो पेरेंट्स होते हैं ये इट इज़ ओपन फॉर ऑल करके हम लोग ओपन रखते हैं 3 दिन के लिए। वहाँ पर बच्चे हमारे कंप्लीट साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हो या फिर जो कुछ भी मैथ्स के एक्टिविटीज़ हो, इंग्लिश के हो, हिंदी के हो, तेलुगु के हो, सभी वो लोग हमारे साइंस फेयर के अंदर हम लोग करते हैं। साइंस फेयर के साथ साथ में हमारे पास फील्ड ट्रिप होती है बच्चों की, फील्ड ट्रिप के बाद में एक्सकर्शन पर लेके आते हैं छोटे बच्चों को अलग जगहों पर, बड़े बच्चों को अलग जगह पर। साथ में फिर हम लोग स्पोर्ट फेस्ट करते हैं, स्पोर्ट फेस्ट के बाद में हम लोग फाइनली हम लोग एनुअल डे प्रोग्राम भी करते हैं। जैसे कि जनरली हम लोग नामपल्ली के ऑडिटोरियम में करते थे, ऐसे ही वेरियस प्लेसेस के ऊपर हमारा एनुअल डे प्रोग्राम भी होता है। टाइमिंग्स क्या रहती है सर स्टूडेंट्स की? अब जैसा स्कूल की टाइमिंग जो है सर, जनरली 8:30 से स्टार्ट होता है। 9 o'clock से हम लोग स्कूल स्टार्ट करते हैं। 9:30 to 1:30 इट इज़ फॉर प्राइमरी स्कूल, एंड फ्रॉम टिल 3 o'clock इट इज़ फॉर हायर स्कूल। आपका सिर्फ ये प्रेजेंटली ये ब्रांच है सर, क्या अभी और एक्सपेंड करने वाले? एक्सपेंशन तो हमारे प्लान्स हैं, अभी आगे भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे बहुत सारी जगहों पर, लेकिन अभी एट प्रेजेंट वी आर वर्किंग विद दिस ओन मेन ब्रांच। सो इन फर्दर एनी स्टूडेंट्स हैज बीन अचीव एनी वेरियस काइंड्स ऑफ अवार्ड्स और वेयर अवार्ड्स? देखिए सर, नेशनल लेवल पर भी हमारे बच्चों ने कराटे में भी किया हुआ है, स्केटिंग में भी किया है, स्टेट लेवल पर भी लिया है। तो अगर कोई आपसे जुड़ना चाह रहा है तो उनको क्या कुछ रिक्वायरमेंट रखना चाहिए, अगर कोई दूसरे स्कूल में आपके पास आना चाह रहे हैं? जी रिक्वायरमेंट्स तो देखिए, कोई अगर कोई फ्रेश बच्चा कोई नर्सरी या एलकेजी में एडमिशन लेता है तो उनका कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता नहीं है। लेकिन जो बच्चे दूसरे स्कूल से यहाँ पर आते हैं उनसे हमको TC बोनाफाइड ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो 100% लेकर यहाँ पर आना होता है। इसके बारे में स्कूल का पूरा ईच एंड एवरीथिंग का आपके जर्नी कब से जो सो स्टार्ट रखे थे आप जो सो स्कूल का? देखिए स्टार्ट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हम लोग 2011 में हम लोग स्टार्ट किए थे, वेयर वी हैड ओनली 45 स्टूडेंट्स विद अस। आज हम लोग 200 के बच्चे 200 200+ क्रॉस कर चुके हैं।
अभी आप फर्दर इसको एक्सपेंड करेंगे, जैसे आप थोड़े जो लोग रहते हैं ना, पहले जो स्कूल रहता है, फिर उसके बाद कॉलेज, फिर उसके बाद जो सो फर्दर इंस्टीट्यूट्स ओपन होते जी रहते हैं। जी 100%। जैसे कि हम लोग, मैंने आपको बोला है कि पहले हमारा प्ले स्कूल था, फिर हम लोगों ने प्री प्राइमरी किए, प्राइमरी किए, अभी हाई स्कूल में हम लोग पहुंचे हैं। इन फ्यूचर अगर ऐसा ही सभी पेरेंट्स का साथ रहा और ऊपर वाले की हमवर्क कर पा रही, तो 100% हम लोग कॉलेज में भी हम लोग एंटर करने वाले हैं। तो अगर कोई ज्वाइन हो रहा है तो आप उसको कंसेशन भी प्रोवाइड करेंगे फिर हंड्रेड वो? परसेंट जैसे मैं आपको बोला हूँ ना, फीस में कोई हमारे पास कोई इतनी बड़ी फीस है नहीं, हम लोग आपको 50% ऑफ करेंगे हमारे एडमिशन फीस पर। टीचिंग कैसा रहेंगे सर उसको टीचिंग सीरियस? टीचिंग मेथोडोलॉजी है ना सर, इंटीग्रेटेड है जैसे मैंने आपको बोला है। और जितने भी टीचर्स हमारे यहाँ पर होते हैं वो पूरे कम्प्लीटली ट्रेन टीचर्स हैं, जिसको हम लोग हमारे यहाँ पर ट्रेन कर बच्चों को पढ़ाने की तो देते हैं। इसमें आपको जो सो ICVBS भी ऐड करेंगे सर, सेंट्रल का जो सिलेबस आता है आपके पास, या कौन सा सिलेबस? सेंट्रल जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो अभी बुक्स वगैरह बने हैं, करिकुलम बना हुआ है, हम लोग ये साल से वही फॉलो कर रहे हैं। अब जैसा बहुत सारे, अब जो सो नेशनली अब बहुत सारे बुक्स आते हैं ना सर डिफरेंट रिलीजन्स के, आपके पास स्कूल में जो सो डिफरेंट रिलीजन्स के बुक्स भी जो सो फॉलो होते हैं क्या खाली? जी मैं यही बोल रहा हूँ ना, जितने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जितने भी बुक्स वगैरह आते हैं, हम वो सारी चीज़ें फॉलो करने वाले हैं। फर्दर सर आपका जो मेन जो फोकस, आपका जो मिशन है आपका स्कूल का, कुछ बताना चाहेंगे? हमारा मिशन क्या होता है बच्चों का, है ना, ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग हमारा फोकस होता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को हम लोग सिर्फ बुकिश बना कर रखें, बुकों में ही रखे बच्चों को, ऐसा नहीं है। हमारा स्कूल का फोकस प्राइमरी बच्चों का एजुकेशन को, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। सर आपका मिशन रहता है ना, आपका कुछ मिशन होगा ना, इससे आपको जो सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे ना, परिवर्तन कैसा आ रहा है? जी वही यही बोल रहा हूँ मैं आपको, जो हमारा मेन फोकस यही है कि हम बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करें, बच्चे एक सोसाइटी के अंदर असेट बनकर हमारे स्कूल से निकले, हमारा मेन फोकस यही है। तो उसके लिए आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सर उनको? जैसा आप एक स्टूडेंट आपके पास जुड़ रहा है, जी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है आपके पास, तो थोड़ा जो स्टार्टिंग है बेसिक में ज्वाइन होके, अगर फर्दर तो आप जैसा बाद में उसको गाइड करेंगे या कैसा रहेंगे? जी देखिए, अभी हमारे पास है ना, जितने ही बच्चे हमारे स्कूल से निकले हुए हैं अभी तक ना, वो सारे बच्चे दूसरे कोई भी स्कूल के इंटरव्यूज के अंदर फेल नहीं हुए। और जितने भी इंटरव्यूज में बच्चे हमारे गो थ्रू किए हैं, निकल गए गए हैं, और बाद में पेरेंट्स हमारे से कंटिन्यूसली कांटेक्ट में हैं, हम जब कोई भी उनको जरूरत पड़ी हमारे स्कूल की तरफ से, हम उनको हमेशा हेल्प किए हैं। सर आपका जो लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन में आप जैसा स्टूडेंट्स था उनको आप कैसे लिए क्लासेस, या हुई थी या नहीं हुई जी? था नहीं, ऑनलाइन? हम वो लोगों को है ना ऑनलाइन क्लासेस लेकर बच्चों को ऑनलाइन पर ट्रेन करते थे, जूम पर हम लोग क्लासेस ले लिया करते थे, एग्जाम्स भी हम लोग वो लोगों से ऑनलाइन कंडक्ट करते थे। तो आप जैसे लॉकडाउन में आपको बहुत सफर होंगे ना जी, सर स्टूडेंट्स जो पूरे जो सो नहीं थे आपको जो सो टोटली, जी तो आप फेस कर सके, आपको जो सो टीचर्स थे उनको भी? जी देखिए, टीचर्स तो हमारे ऑलरेडी हमारे जो एग्जिस्टिंग टीचर्स थे उन्हीं से हम लोग टीचिंग किया करते थे वहाँ पर। और बच्चों के लिए देखिए, बच्चे लॉकडाउन के दौरान बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा फोकस्ड नहीं थे स्टडीज को लेकर, और जैसे हम लोग डिस्टेंस में रहा करते थे उसी वजह से बच्चों का टीचिंग के ऊपर से थोड़ा इंटरेस्ट चला गया था। लेकिन हम लोग वी हैव ट्राइड अवर लेवल बेस्ट टू कीप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लाइव ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस ऑल्सो। सर आपका टीचिंग मेथड कैसा है? आप जैसा डिफरेंट पीपल डिफरेंट काइंड्स के रहते हैं ना, आप जैसा हर कोई एक में इंटरेस्टेड नहीं रहता, किसी को आर्ट्स के अंदर, जी किसी को क्या स्पोर्ट्स के अंदर, अलग अलग एक्टिविटीज। देखिए अभी हम लोग है ना यहाँ पर जो आपको बोला हूँ मैं, हमारा जो टीचिंग पैटर्न है, एजुकेशन सिस्टम है, वो हम लोग है ना अलग 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 तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को। बच्चों का है ना ग्रेस्पिंग कैपेसिटी भी अलग होती है, कैपेबिलिटी भी अलग होती है, उस हिसाब से ही हम बच्चों को फिल्टर कर कर पढ़ाते हैं। तो आप इनको फर्दर कहीं आप इंसिस्ट कराते हैं कि आप जैसा नेशनल लेवल पे आपके स्कूल के थ्रू आप जो इनको जो ट्रेनिंग फर्दर मिलती नहीं? है ट्रेनिंग देखिए, ट्रेनिंग के लिए ना हमारे पास जितने भी साधन हैं, जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं, उनको यूज़ करके बच्चों को गाइड करते हैं, हम हमारे तरफ से कहीं भेजते नहीं। सर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, क्लासेस बोल तो? क्लासेस देखिए हमारे यहाँ पर है ना, हम लोग स्मार्ट क्लासेस भी हैं हमारे पास, और हमारे पास जो व्हाइट बोर्ड वाला सिस्टम जो है हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग में, हम उसी के थ्रू पढ़ाते हैं बच्चों के लिए। बाहर आउटडोर प्ले इक्विपमेंट्स भी है, इंडोर प्ले प्लेइंग इक्विपमेंट्स भी है बच्चों के, और बहुत सारे पजल्स वगैरह हैं, ड्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो बच्चे यूज़ कर कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी तक आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं सर? हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं सर। तो हर फर्दर अगर कोई ज्वाइन होना है तो उसको प्रोसेस क्या रहेगा सर? या तो प्रोसेस देखिए, अभी अभी है ना बच्चों को अगर हमारे पास प्रोसेस का एक इंटरव्यू सेशन होता है, बच्चों से हम लोग मीट करते हैं, पेरेंट्स से मीट करते हैं, उसके बाद में बच्चों के आधार कार्ड हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं, और बच्चों के 4 फोटोग्राफ्स के साथ में हम लोग पेरेंट्स के साथ में बच्चों का इनरोलमेंट करवा। ऐसा
सर थैंक यू जी। व्यूअर्स को अगर आपके साथ जुड़ना रहेगा तो आपका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सर हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं 7416775319, ये हमारा नंबर है, आप इसके साथ जुड़े हो सकते हैं। और जो कोई भी अगर एडमिशन हमारे स्कूल में लेना चाहता है उनका अभी हमारा ऑफर चल रहा है, उनको हम 50% ऑफ देते हैं एडमिशन्स के ऊपर। हमारी फीस बहुत ही कम है, एडमिशन फीस में हम 50% ऑफ देंगे। और जो भी बच्चे जून से पहले हमारे पास एनरोल करेंगे उनके लिए हम समर कैंप फ्री भी दे रहे हैं अभी। तो जल्द से जल्द जितने भी मास्टर प्लान के पेरेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सारे सराउंडिंग्स के अंदर हमारे मास्टर प्लान में जितने भी लोग होंगे अपने बच्चों को यहाँ पर स्कूल में एनरोल कराएं और बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दिलाकर बच्चों को उनका करियर बनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर, आपके धन्यवाद आपके टाइम के लिए सर। और फर्दर हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे सर, अपडेट के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।